नमस्कार, बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सबसे खास होता है और इस महीने में वे किसी भी गंदी या बुरी आदत को अपना नहीं सकते, ना ही वे झूठ बोल सकते हैं और ना ही वे कोई गलत काम कर सकते हैं। रमजान के महीने में नए कपल हो या पुराने, कोई भी हमबिस्तर नहीं हो सकते हैं, जिसे कबूल करने के बाद ही रमजान के महीने में व्यक्तियों के रोजे को पाक माना जाता है। रमजान में मुसलमानों को रोजे रखने होते हैं, जिन्हें भी बहुत पाक कहा गया है। आप सभी को एक बात ये भी बता दें कि रमजान के महीने में लड़कियां अगर पीरियड्स में हो तो वह रोजा नहीं रख सकती हैं। जी हाँ, लड़कियां और महिलाएं अगर पीरियड्स में हो तो वह रोजा नहीं रख सकती और ना ही उनके लिए रमजान का पाक महीना अच्छा होता है। रमजान का पाक महीना हर मुसलमान की दुआ को कबूल करता है, लेकिन अगर कोई महिला या लड़की पीरियड्स में है तो वह रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती और ना ही कोई दुआ मांग सकती है। पीरियड्स में होते हुए लड़की रमजान के समय घर वालों के साथ सहरी में तो शामिल हो सकती है और इफ्तार में भी, लेकिन वह रोजा नहीं रख सकती, क्योंकि रोजा मुसलमानों के लिए सबसे पाक होता है और रमजान का महीना भी सबसे पाक माना जाता है। यही वजह है कि पीरियड्स के समय लड़कियां और महिलाएं रोजा नहीं रखती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।